नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उल्लासनगर मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि की तरफ से 22 जुलाई तक शहर में लॉकडाउन किया गया है। 2 जुलाई शाम 5 बजे से शहर में लॉकडाउन किया गया और 2 जुलाई को शहर में 2156 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी, जो आज 19 जुलाई को बढ़कर 5626 तक पहुंच चुकी है। लगभग 3,500 लोग फिर भी इस लॉकडाउन में भी संक्रमित हुए हैं। शहर में जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सामानों की होम डिलीवरी के तर्ज पर अनुमति मिली हुई है, पर जो दूसरे व्यवसाय करने वाले व्यापारियों की खस्ता हालत हो चुकी है। ऐसे व्यापारियों का लगभग 4 महीने से व्यवसाय बंद है। इस पर अब व्यापारी भी मनपा आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि से मांग करें कि 22 जुलाई के बाद कोई भी शहर में लॉकडाउन नहीं किया जाए। आइए जानते हैं इस पर क्या बता रहे हैं उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के कार्य अध्यक्ष दीपक शतलानी। दोस्तों, मैं दीपक शतलानी, यूटीए का वर्किंग प्रेसिडेंट, यूटीए के तरफ से सभी व्यापारी भाइयों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि कल 18 जुलाई शाम 8 बजे हमारी एक जूम मीटिंग हुई। वो मीटिंग हमारे टीओके के जो प्रमुख है ओमी कालानी जी, उन्होंने ली, और यूटीए टीओके का एक पार्ट है। यूटीए के सभी व्यापारी अध्यक्ष और यूटीए की कमेटी ने उसमें भाग लिया। उसमें सभी व्यापारी भाइयों से लॉकडाउन पर राय ली गई, उनका जो मत है वो जाना गया। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया और ओमी कालानी जी से रिक्वेस्ट की गई कि इसके बाद कोई भी लॉकडाउन न किया जाए। और ओमी कालानी जी से हमारे जो सभी व्यापारी अध्यक्ष हैं उनका यही कहना था कि ओमी जी कमिश्नर साहब से बात करें और 22 जुलाई के बाद कोई भी लॉकडाउन न किया जाए। उसमें ओमी कालानी जी ने सभी व्यापारियों को ये आश्वासन दिया कि वो कमिश्नर साहब से बात करेंगे और कोई भी लॉकडाउन 22 जुलाई के बाद न किया जाए। ऐसी मांग व्यापारियों की तरफ से वो कमिश्नर साहब से फ़ोन पर बात करके रखेंगे और यूटीए की तरफ से एक लेटर जल्द ही कमिश्नर साहब को दिया जाएगा, जिसमें मांग की जाएगी। उसमें सभी जो 53 एसोसिएशन की तरफ से ये मांग की जाएगी कि ये लॉकडाउन जो है वो 22 जुलाई के आगे न बढ़ा जाए और 23 जुलाई से हमारा शहर खोला जाए। और व्यापारियों की और एक मांग थी कि जल्द से जल्द जो हमारा जो टाइमिंग है वो 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे किया जाए। व्यापारी भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। व्यापारियों के पास जो काम करने वाला स्टाफ है, उनकी जो फैमिलियाँ हैं, जो व्यापारियों की दुकानों पर निर्भर हैं, तो कमिश्नर साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन 22 जुलाई को ख़त्म करके 23 जुलाई से हमारा शहर खोला जाए। और हमारी तो और एक मांग है कि इसके बाद कोई भी लॉकडाउन न किया जाए। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।